दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुखदेव कंबोज और एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। कल हमने एक टॉपिक किया था दोस्तों रीजनिंग का, जिसका नाम था कैलेंडर। कैलेंडर परीक्षण नाम से आपको ये टॉपिक मिल जाता है, उसका एक पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। कुछ टाइप्स हमारे क्वेश्चन के रह गए थे। अगर आप अभी तक नहीं चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन। कुछ टाइप हमने कल कर लिए थे, हमने बेसिक जानकारी देख ली थी कि वर्ष जो होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है, और किसी भी वर्ष का कोई भी दिन हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे को कुछ कोड याद रखने होते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। कल मैंने ये डिस्कस कर दिया था, और शताब्दी के कोड हमारे को याद करने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनका तीन तीन का ग्रुप बनता है। आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 3 6 का स्क्वायर होता है, ये 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया जाता है। आप कैसे भी याद कर सकते हो, इनका यूज़ भी अपने कल किया था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे कैलेंडर टॉपिक के अंदर कौन सा आता है। जिन भाइयों ने आपके लिए ये टॉपिक नया है तो आप पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो बात करते हैं, किसी वर्ष 25 मार्च को गुरुवार था, उसी वर्ष 25 जुलाई को कौन सा वार हुआ। अब देखिए यहाँ पर साल नहीं बदला है, साल वही है। एक साल के अंदर महीने, एक महीने से दूसरे महीने तक हम कैसे जा सकते हैं और वार कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक बेसिक जानकारी बता दूं कि अगर आज सोमवार है तो अगली बार सोमवार आएगा हफ्ते बाद, यानी 7 जोड़ देंगे अगर हम, यानी 1 तारीख को अगर सोमवार है तो अगला सोमवार आएगा दोस्तों 1 + 7 यानी 8 तारीख को। तो ये एक बेसिक जानकारी है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर दिनों का अंतर बहुत कम है तो आप इसकी सहायता से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 25 मार्च और 25 जुलाई दिन ज़्यादा हैं, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे वो अपने उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अपने को जाना है मार्च से लेकर के जुलाई, वर्ष का इसमें कोई रोल नहीं है कि वर्ष सेम है। 25 मार्च के अंदर 25 दिन तो बीत गए, पीछे कितने दिन बच गए दोस्तों, 6 दिन, क्यों मार्च के अंदर होते हैं 31 दिन, तो 6 दिन आप लिख लोगे प्लस। उसके बाद अगला महीना आता है अप्रैल का, अप्रैल कौन सा होता है, अप्रैल 30 का होता है, एक 30 का, एक 31 का, एक 30 का, एक 31 का, इस तरह चलते हैं। तो अप्रैल हो गया हमारा माह 30 का। उसके बाद फिर मई आ गया 31, जून 30, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, जुलाई 31 का होता है दोस्तों, और अगस्त भी 31 का होता है, लेकिन हमारे को जुलाई पूरा नहीं जाना है, जुलाई में सिर्फ 25 दिन तक जाना है। तो आप 25 ही लिखिए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब आपके ये जो इतने दिन हैं इनको आप क्या करोगे, मैंने कल भी बताया था कि आपको 7 से भाग देना होता है। 7 संख्या जो कैलेंडर टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जोड़ करके दीजिए 7 से भाग, तो देखते हैं क्या आता है। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 1 6 और 6 12, 2 हासिल 1, 3 2 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12, 2 हासिल 1 और ये आ गया 122। इनका योग कितना आ गया दोस्तों, 122, 122 बटे अपने करेंगे 7। जब इसमें 7 का भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 7 1 7 और 5 बच गया 49 और 3 शेष बच गया दोस्तों। यहाँ पे हमारे को शेष से ही मतलब होता है, यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं होता, हमारे को शेष जो विषम दिन होते हैं उनसे मतलब होता है। हमारा शेषफल कितना आया है, 3 आया है। अब ये 3 शेषफल आया है, इसको विषम दिन बोल देते हैं, शेषफल बोल देते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, इसका यूज करना है। ये जो 3 दिन है जो हमारे को दे रखा है कि 25 मार्च को क्या था, गुरुवार था, तो हम इसमें क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब गुरुवार के आगे आप 3 दिन गिन लीजिए, गुरुवार तो है ही, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो तीसरा दिन कौन सा आता है, रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। कल मैंने आपको दिनों के भी कोड बताए थे, आपको पता है एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन लगभग जो स्टूडेंट गलत करते हैं, क्वेश्चन आता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। हमने बचपन से सुना है कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, सोमवार होता है, लेकिन सोमवार उत्तर गलत होता है दोस्तों, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन रविवार को माना जाता है अगर हम रीजनिंग की बात करें तो। तो सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, कोड हमारा रविवार का क्या होता है, 1 होता है।
फिर आपका सोमवार का 2, इस तरीके से चलते हुए शनिवार तक जाते वो 0 हो जाता है। तो ये कोड भी आपको याद रखना है। चाहे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, या आपको यहाँ पे अलग अलग विषम दिन अगर याद हैं तो आप विषम दिन के हिसाब से कर सकते हो। अलग अलग विषम दिन का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे अगर 7 का मैं 6 में भाग दूं तो विषम दिन मेरा कितना बचता है, 6 ही बचता है शेषफल। और यहाँ पे कितना होता है, 7 चौका 28 और 2 दिन शेष बचते हैं, तो 2 को मैं ऐड कर लूँगा। उसके बाद इसमें 3, जब सिंपल सी बात है, जहाँ पे 30 दिन होंगे वहाँ पे 2 विषम दिन आएंगे, और जहाँ पे 31 का महीना होगा वहाँ पे 3 विषम दिन। तो 2 3 2 3 आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों। अगला आएगा 2, और फिर आपको 25 का 25 पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आपको फिजिबल लगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से हमारे को सॉल्व करना है। ये तो था एक वर्ष के अंदर 1 महीने से दूसरे महीने तक हमारे को पहुंचना हो तब। लेकिन नीचे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 15 अगस्त 2017 को था बुधवार, तो 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये आपसे पूछा है कि 15 अगस्त 2017 का दिन आपसे पूछ लिया, फिर उसके बाद 2020 पर जाने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं कैसे जाएगा। तो 15 अगस्त 2017 को मेरा दिन बनता है जी बुधवार, ये उसने दे रखा है। और मेरे को पहुंचना कहाँ तक है, 20 अगस्त 2020, यहां तक पहुंचना है। यानी पहले मैं 17 से जाऊंगा, 18 में 18 से जाऊंगा, 19 में 19 से जाऊंगा, 20 में। आपको पता है कि साधारण वर्ष जो होता है उसमें एक हर वर्ष क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मैं मानूं कि इस टाइम जो जनवरी का 1 जनवरी 2000 को अगर सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार था, तो 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। अगर साधारण वर्ष में सेम डेट पर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन हमेशा बढ़ करके आता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे को यहाँ पे यूज करना है। लेकिन अगर लीप वर्ष आ जाता है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी क्या हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है दोस्तों। तो हम पहले चलेंगे 17 से 18 में। 17 से 18 के अंदर अगर जाएंगे, सन 2017 से 18, तो मैंने देखा 17 भी लीप वर्ष नहीं है, 18 भी क्या लीप वर्ष नहीं है, तो कितने दिन और ऐड होंगे दोस्तों, एक दिन ऐड हो जाएगा। 18 से जब मैं गया 19 में, तो मैंने देखा 18 भी लीप वर्ष नहीं है और 19 भी लीप वर्ष नहीं है, तो कितना ऐड हो गया, एक दिन आगे चला जाएगा। फिर 19 से मेरे को कहां तक पहुंचना है, 20 तक पहुंचना है, 20 तक पहुंचना है। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा खेल अलग हो जाएगा। खेल अलग ऐसे हो जाएगा कि मेरे को 20 अगस्त 2020 तक पहुंचना है, लेकिन उससे अगस्त से पहले कौन कौन से माह आ गए, जनवरी से लेकर के अगस्त तक आ गए, और बीच में क्या आ गई मेरी, फरवरी भी आ गई दोस्तों। और फरवरी यहां पर 2020 के अंदर, क्योंकि एक लीप वर्ष है, फरवरी यहां पर क्या होगी, 29 दिन की होगी, इसलिए हम यहाँ पे +1 नहीं, यहाँ पे +2 करके चलेंगे। तो इतना सा बात आपको ध्यान रखनी है, अगर लीप वर्ष है तो आपका +2 होगा, ना कि +1 होगा, +2। अब हम पहुंच गए 2017 से लेकर के 2020 तक, तो देखते हैं। लेकिन हम क्या पहुंचे, 15 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2020 तक पहुंचे हैं, ना कि 20 अगस्त 2020 तक पहुंचेंगे। सेम डेट में चल रहे हैं, डेट को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो सेम डेट पर आपका 2020 पहुंच गया है। तो देखते हैं इनका योग कितना हो गया, 2 1 3 और 1 4, यानी टोटल कितना हो रहा है मेरा, 4+ हो रहा है। और ये 4+ मेरे को किसमें करना है, जो हमारे को वार दे रखा है, कौन सा वार दे रखा है, बुधवार। और बुधवार से आगे हम 4 दिन अगर गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। तो हमारा बनता है रविवार, कौन सा बनता है दोस्तों, रविवार। लेकिन ये रविवार कब बनता है, 15 अगस्त 2020 को बनता है, ना कि 20 अगस्त 2000। लेकिन मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, 20 अगस्त 2020, तो आप क्या करोगे, इसमें 5 दिन और ऐड कर दोगे। 5 दिन और ऐड करोगे तो रविवार से आगे आप 5 दिन और गिन लीजिए, या इसमें +4 के अंदर +5 और कर दीजिए, कैसे भी आप कर सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, 9 दिन। चाहे तो आप रविवार से आगे कर लीजिए या बुधवार से 9 दिन आगे कर लीजिए।
तो अगर मैं रविवार तक पहुंच चुका हूं तो उससे आगे मेरे को क्या करना है, ये 15 तारीख का है, 20 तारीख तक मेरे को पहुंचना है। 15 तारीख को क्या था, रविवार था, और 20 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो मेरा 20 अगस्त को क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बहुत ही बेसिक जानकारी के साथ आपको बता रहा हूँ, वैसे आप बाय कोड भी कर सकते हो, क्योंकि संडे का जैसे मतलब शनिवार का कोड 0 है, संडे का 1 है, मंडे का 2 है, इस तरीके से आप उसमें भी ऐड करके देख सकते हो। और आप वैसे भी गिन सकते हो, 7 ही दिन है, आप उंगलियों पे भी गिन करके कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है तो। तो दोस्तों इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। ये थे हमारे सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हमारे आते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब कुछ एक क्वेश्चन की और बात करेंगे, और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टॉपिक के अंदर। जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैसे आया हुआ, जैसे अभी डिस्कस किया था, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह का पहला दिन दोस्तों क्या होता है, रविवार होता है, ना कि सोमवार होता है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष के अंदर अपने कल भी डिस्कस किए थे, लीप वर्ष के अंदर होते हैं 366 दिन। नॉर्मल वर्ष के अंदर होते हैं 365 दिन, और लीप वर्ष के अंदर होते हैं 366 दिन, या यूं कहें कि 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरे पास, 21 जुलाई 2002 को बुधवार था, तो अगला बुधवार इसी तारीख को कब आएगा। यह क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया है, 21 जुलाई 2002 को 2002 को रीमा का जन्मदिन है, जन्मदिन है, इक्कीस जुलाई 2002 को रीमा का जन्मदिन है, और उस दिन बुधवार है, उस दिन बुधवार है। अब आपको दे रखा है कि 21 जुलाई 2002 को क्या रीमा का बर्थडे है, और उस दिन था बुधवार। तो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि रीमा अपना नेक्स्ट जन्मदिन, अगला जन्मदिन इसी दिन, इसी दिन मतलब बुधवार के दिन ही कौन से सन में मनाएगी। तो ये आपको देखना था कि ये सेम बुधवार जो है अब कौन सी क्या आएगा डेट को आएगा, क्योंकि जन्मदिन तो बहुत 21 जुलाई, तो 21 जुलाई को ही रहेगा। यानी अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि 21 जुलाई 2000 कौन से सन में बुधवार वापस सेम टू सेम आएगा। मैंने पहले थोड़े टाइम पहले मैंने जिक्र किया था कि आपका हर वीक के बाद क्या होता है, रिपीट होता है दिन। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे। 2002 से पहुँचना है मेरे को, 2002 को बुधवार दे रखा है मेरे को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट बुधवार कब आएगा। नेक्स्ट बुधवार दोस्तों तभी आएगा जब मेरा क्या होगा, जब तक मैं आगे जब चलूंगा तो 7 मेरा योग आना चाहिए। कैसे आएगा दोस्तों देखते हैं। 2002 से मेरे को चलना है 2003 के अंदर। तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई, क्योंकि लीप वर्ष है तो हमारे को इसका ऐड करना पड़ेगा। 21 जुलाई 2002 था, मैं 21 जुलाई 2003 तक गया, तो मुझे क्या मिला, एक दिन ऐड हो जाता है। आपको पता है साधारण वर्ष ये भी है, साधारण वर्ष ये भी है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो एक दिन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, एक दिन ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, 2003 से मैं गया 2004 में, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2004 क्या आ गया, मेरा लीप वर्ष आ गया, और लीप वर्ष के अंदर अगर मैं जुलाई तक पहुंचना है मेरे को, तो मेरे को फरवरी क्रॉस करके आना पड़ेगा, और फरवरी क्रॉस करके आना पड़ेगा तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड हो गया। तो देखते हैं टोटल बृहस्पतिवार के बाद अब क्या आ गया, शुक्रवार और शनिवार, शनिवार तक मैं पहुँच चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में हम शॉर्टकट में भी करेंगे। फिर 2005 में पहुँचा दोस्तों मैं, 2005 4 से 5 में पहुंचा, 5 एक साधारण वर्ष है तो मेरा प्लस 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे शनिवार के बाद प्लस 1 ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ गया, रविवार आ गया दोस्तों। मेरे को कहाँ तक पहुंचना है, बुधवार तक पहुंचना है। इसी तरीके से मैं 6 में जाऊंगा, फिर 7 में जाऊंगा, और फिर
आठ में जाऊंगा, इस तरीके से मेरे को चलते जाना है। तो चलते जाना है तो मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पाँच से छः में जाऊंगा तो फिर आपका क्या होगा, प्लस वन होगा, यहाँ से भी प्लस वन होगा, यहाँ से प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को चलते जाना है, और कब तक चलते जाना है, जब तक मेरे को क्या नहीं, बुधवार नहीं मिल जाता। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब आपको शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आंसर इसका कैसे आएगा। आंसर दोस्तों इसका इस तरीके से आएगा कि मेरे को जब ये वाला जोड़ जो है, जब तक मेरे को सात प्राप्त नहीं होता या सात का कोई गुणज प्राप्त नहीं होता, तब तक मेरे को ये चलते जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, दो एक तीन चार पाँच छः और दो आठ, सात प्राप्त हो जाता तो मैं यहीं पे रुक जाता, यानी मेरा 2008 के अंदर क्या आ जाता, बुधवार आ जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो रहा है आठ, तो मैंने क्या कहा, सात प्राप्त हो या सात का गुणज, तो सात प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आठ प्राप्त हो गया, तो आठ से मेरे को और आगे चलना पड़ेगा। और आगे चलूंगा तो दोस्तों मैं अगर जाऊँगा नौ पे, तो मैंने क्या कहा था, चार साल बाद क्या होता है, लीप वर्ष रिपीट होता है। देखो मैंने यहाँ पे दो ऐड किया, उसके बाद तीन सिंपल गए, फिर दो ऐड हो गया, अब तीन फिर सिंपल जाएंगे, तो आपको बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, 10 के अंदर 2010 के अंदर क्या हो जाएगा, फिर से होगा प्लस वन, 2009 से 10 में जाएंगे तो एक बार प्लस वन और होगा 2011 में, और अब क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। देखो दोस्तों एक दो तीन बार हो गया प्लस वन, अब क्या 2012 के अंदर क्या होगा, प्लस टू होगा। तब मैं गिन के देख लेता हूँ, एक दो एक तीन चार पाँच छः दो आठ एक नौ दस ग्यारह और दो तेरह, सात का गुणज, तो सात का गुणज क्या होगा, 14 होगा। तो एक साल मेरे को और चलना पड़ेगा, यानी 2013 तक मैं पहुँचा प्लस वन, तो मेरा आ गया 14। क्या आ गया दोस्तों, 14। जैसे ही मेरे को 14 प्राप्त हो गया तब मैं रुक जाऊंगा, तो मतलब मेरे को साल कौन सा प्राप्त हो गया, 2013, यानी 2013 में जाकर के वापिस से उसी दिन यानी 21 जुलाई को ही क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। ये मेरा आंसर इस तरीके से निकलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन ये इसका बेसिक है कि आपको तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक आपको सात प्राप्त ना हो जाए। अगर सात प्राप्त नहीं हो रहा, सात से ज्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा, तो 14 तक आप रुक जाएंगे, तो वो साल ही आपका क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं इसकी जगह, तो देखते हैं वो कैसे होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, ये कहता है एक क्वेश्चन ऐसा ही और ढूंढ लेते हैं। श्रीमती संगीता अपनी शादी की वर्षगांठ 30 सितंबर 1997 को मनाती है। अब यहां पे डेट अपने को दे दी 30 सितंबर 1997 को, मान लो वही क्वेश्चन है कि रीमा का जन्मदिन है, और उस दिन क्या वार है, इसने दे रखा है उस दिन क्या है, मंगलवार है, तो यहाँ पे आ गया मंगलवार। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों वही है कि सेम डे, अब उसकी वर्षगांठ जन्मदिन जो है कब आएगा, 30 सितंबर 1997 को रीमा का जन्मदिन था, उस दिन था मंगलवार। अब मंगलवार को इसने जन्मदिन मनाना है, तो कौन से साल में मनाएगी, तो इस चलते हैं 30 सितंबर 1997 से मैं बढ़ता जाऊँगा आगे, कब तक, जब तक मेरे को वापस से क्या नहीं मिलेगा, सात या सात का गुणज प्राप्त नहीं होगा। तो आप अपने शॉर्ट में चलेंगे, कैसे इसको फास्टली करते हैं दोस्तों, 98 में गया, ये लीप वर्ष नहीं था, लीप वर्ष ये भी नहीं है, तो आप प्लस वन करोगे, 99 में जाओगे फिर से प्लस वन, दोनों लीप वर्ष नहीं है, फिर आप चले गए 2000 के अंदर, ये 2000 क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया, तो यहां पर क्या करोगे, प्लस टू कर दोगे। दो एक तीन एक चार मेरे पास आ चुका है, फिर मैं जाऊंगा 2001 में, 2001 में गया तो प्लस वन होगा, 2002 में गया तो फिर से मेरे पास प्लस वन होगा। आप इधर गिनती कर लीजिए, एक दो दो चार और दो छः, फिर मैं जाऊंगा दोस्तों 2003 में, तो ये फिर प्लस वन हो गया। तो
तब मैं यहां पे अगर इनका योग देखूं, एक दो और दो चार और तीन सात हो गया, तो मेरे को सात या सात का गुणज ही चाहिए, तो वहीं मैं रुक जाऊंगा। तो मतलब 2003 के अंदर, यानी 30 सितंबर 2003 के अंदर वापिस क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आप जस्ट लीप वर्ष का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चन जो है और लेते हैं, जिससे आपका ये बहुत अच्छे से क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन और दे रखा है, वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष कौन से वर्ष के समान होगा, 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। तो आपको सेम यही चीज करनी है, कोई डेट आप मान सकते हो, तो वो सेम डेट कब आएगी, वो कैलेंडर और वो कैलेंडर जब तक सेम होगा वही आएगा आंसर आपका। एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। ये लास्ट टाइप आपका क्वेश्चन का रह गया है, इसके बाद ये टॉपिक में कुछ नहीं रह जाता, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई है, बहन क्या पैदा हुई है, मंगलवार को पैदा हुई है, तो आपसे पूछा गया है तो मेरा जन्म कब हुआ, मेरे जन्म का वार पूछा है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि मेरा भाई मुझसे, अभी इसमें तीन जने हैं, तीनों का कंपैरिजन हो रहा है, एक तो मैं, एक मेरा भाई और एक मेरी बहन। तो बात करते हैं कि मेरा भाई मुझसे 65 दिन बड़ा है, तो यहां पे मैं मी लिख देता हूं, मी मतलब मैं, मुझसे 562 दिन बड़ा है कौन, मेरा भाई। तो यहां पे आ गया भाई, और ये 562 दिन मेरे से बड़ा है। अब इससे भी बड़ी मेरी बहन है, कितना टाइम बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है दोस्तों। तो ये बहन आ गई जब भाई से, 75 सप्ताह बड़ी है, और इसका बहन का जो जन्मदिन है ना वो मंगलवार को है, ये मंगलवार के दिन पैदा हुई। अगर आपको बेसिक पता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। इजी कैसे हो जाएगा कि बहन अगर मंगलवार को पैदा हुई है और ये भाई से क्या है, 75 सप्ताह बड़ी है, मैंने क्या कहा था, सोमवार अगर है तो अगला सोमवार कितने दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद आएगा, यानी एक सप्ताह के बाद आएगा। अब 7 ले लो या 7 का कोई भी गुणज ले लो, 7 क्या है, एक सप्ताह है। अगर मैं 14 दिन बाद करूं या 21 दिन बाद करूं, ये 2 सप्ताह हो गए, ये 3 सप्ताह हो गए, कितने भी सप्ताह हैं, अगर सोमवार में ऐड करूंगा तो वही दिन आएगा सेम। बस यही कॉन्सेप्ट हमारे को यहां पे ध्यान रखना है कि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी, और बहन अगर मंगलवार को पैदा हुई है तो सप्ताह के बाद, एक सप्ताह हो या कितने भी सप्ताह हो, सेम का सेम डे रिपीट होगा, यानी मेरे भाई का जन्मदिन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार को मेरा भाई पैदा हुआ होगा। और मंगलवार को ये पैदा हुआ और ये मेरे से कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, बस आपकी कैलकुलेशन अब भाई और इसके बीच में रहेगी, क्योंकि ये तो 75 सप्ताह बड़ी थी, तो मतलब कितने भी सप्ताह बड़ी हो तो सेम आएगा दिन। तब भाई मेरे से कितने सप्ताह बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, मुझसे 562 दिन बड़ा है, और भाई पैदा हो रहा है मंगलवार को। अब मेरे पास टोटल कितने दिन है, 562 दिन है। अगर 562 में मैं क्या कर दूं, दिनों में 7 का दे दूं भाग, तो कितना आ जाएगा, 56। अब भाग जा नहीं रहा,
कितना आ जाएगा दोस्तों, पूरे पूरे 80 सप्ताह आ जाएंगे, 80 सप्ताह और 2 दिन ऊपर। इसका मतलब यही होता है 80 सप्ताह और 2 दिन ऊपर आ गए दोस्तों। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर भाई क्या है मंगलवार को पैदा हुआ है तो 80 सप्ताह बाद सेम क्या होगा, मंगलवार ही होगा। 80 सप्ताह के बाद तो हो गया मंगलवार, और ऊपर 2 दिन और आ गए मेरे पास, तो मंगलवार में मैं 2 दिन और ऐड कर दूंगा तो मेरा जन्मदिन कितने बन जाएगा, बृहस्पतिवार को बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार को आपका जन्मदिन बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कहता कि मेरी बहन भाई इससे 75 सप्ताह बड़ी है और मेरे से भाई मेरा 562 दिन बड़ा है। सप्ताह मैंने कहा कि रिपीट होगा, एंड टाइम्स कितनी बार भी हो जाए सप्ताह का दिन सेम आता है, तो मंगलवार 75 सप्ताह बाद भी क्या होगा, मंगलवार होगा। यानी मेरा भाई का भी दिन क्या आ गया, मंगलवार आ गया। अब मेरा दिन निकालना है तो मेरे और भाई के दिन के बीच में 562 दिन का फर्क है। 562 दिन की अगर मैं सप्ताह बनाऊंगा तो मैं 7 से क्या कर दूं, भाग दे दूं, क्योंकि हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने आ गए, 80 सप्ताह आ गए और 2 दिन ऊपर आ गए। अगर मैं भाई से चलूं मेरे तक 80 सप्ताह चलूंगा तो 80 सप्ताह के बाद फिर से वही मंगलवार आएगा, लेकिन 2 दिन ऊपर है तो मंगलवार में 2 दिन मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा गुरुवार आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये सारे जो आपके कैलेंडर परीक्षण के अंदर पूछे जाते हैं, जो अब तक कभी ने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे दोस्तों। धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।